हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक बड़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, पालक बेसन का चीला। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ है मेरे पास फ्रेशली कटे हुए एक हैंडफुल ऑफ पालक, यहाँ है बेसन एक कटोरी जितना, एक छोटा प्याज एकदम छोटा छोटा चॉप किया हुआ, एक है ग्रीन चिली जिसका मैंने बीज निकाल के कट कर लिया है, यहाँ पे है एक छोटा टमाटर जिसको भी मैंने डीसीड करके कट कर लिया है, यहाँ पे है ये तिल, सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे है मेरे पास हल्दी और नमक, स्वाद अनुसार नमक। आप इसमें और भी कोई वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं जैसे धनिया पत्ता, मटर, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम सारे इंग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ये पालक डाल लेंगे, बेसन, ग्रीन चिलीज, प्याज, टमाटर और स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी। पहले ही हम पानी नहीं डालेंगे, पहले इसे हाथ से ही पूरा मैश करेंगे। अब हम धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ी थिक, बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी हम नहीं रखेंगे। इसको ऐसे रखना है कि इसको हम स्प्रेड कर सकें तवे पर। अब ये पूरा रेडी हो गया है। अब हम डाल लेंगे इसमें तिल करके अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। सबसे पहले तवे पे हम थोड़ा मस्टर्ड ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आप जिस भी तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने बैटर को डाल लेंगे, इसे धीरे धीरे फैला देंगे। मैंने बैटर को पूरा स्प्रेड कर लिया है अच्छे से। अब हम धीमी आंच में एक साइड पकाएंगे। एक साइड इसकी पक गई है। सबसे पहले फ्लिप करने से पहले साइड्स को हल्का हल्का देखने की ज़रूरत है कि कहीं ये चिपके तो नहीं है। अगर ये चिपके हैं इसका मतलब ये अभी और थोड़ा और पकेगा। मेरे वाले देखिए ये पूरा निकल रहा है, इसीलिए अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। दोनों तरफ से हमारा चीला अच्छे से पक गया है। अब हम इस चीले को निकाल लेंगे। बेसन पालक का चीला रेडी है। आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए मैं फिर आपसे मिलूंगी एक इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।